मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के ग्राम अमलाली जो कि सरदार सरोवर बांध से दुष्प्रभावित है। अमलाली में लोगों के लिए बसाहट बनाई गई है जो कि पहाड़ों के बीच में बनाई है, खड्डे में बनाई है। यहाँ पे बसाहट में आज की स्थिति ये है कि बसाहट में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये अमलाली की बसाहट है तो यहाँ पे लोग क्यों नहीं आ रहे? यहाँ क्यों नहीं आ रहे, उनका कारण ये है कि पानी, पहाड़ का पानी अंदर घुस जाता, दलदली हो जाता बारिश में। कब से रह रहे हो आप यहाँ? सरकार ने जब से वहाँ डूबा है जब से हम हमारे खेत में आके जैसा वैसा मकान बांध ले, और सरकार ने जो ज़मीन ली थी उसमें खेत वाले खेती कर रहे और उसमें कोई सुविधा नहीं। मध्य प्रदेश में 93 गांव जो डूब में है उसमें से 88 बसाहट बनी हुई है। अलग अलग साइड में अलग अलग बसाहट में जाके देखोगे तो हर प्रकार की दिक्कतें हैं। पानी की दिक्कत है, रोड पूरे दिखाने रोड बने हैं कागज़ पे, बहुत सारे रोड है नहीं, गड्ढों में पानी, बरसात जब आएगी जब गड्ढों में पानी घुसता रहता है, हमेशा रहता है। स्कूल है सिर्फ, आज भी मूल गांव में ही स्कूलें चल रही, बहुत सारी ऐसी स्थिति है। पुनर्वास के लिए जो ज़मीन दी थी तो यहाँ सरकार ने जो सुविधा लिखी है बोर्ड पे वो कोई सुविधा नहीं है। बिजली है, ट्रांसफार्मर लगे हुए और बिजली नहीं उसमें है, ऐसा अलग अलग तरीके से चल रहा है और उसमें पूरा करप्शन हो रही है, उसकी पूरी जांच हो रही है। और जांच में यही पाया गया है कि पूरा तरीके से जो इन नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण जो दावा कर रही है वो पूरा दावा ही खोखला है और बेबुनियादी है। अमलाली में लोगों के लिए जो बसावट बनाई गई है जो कि पहाड़ों के बीच में बनाई गई तथा बरसात का पानी सीधा बसावट के ऊपर आता है, जिससे लोग वहाँ पर अपना घर नहीं बना रहे हैं। लोगों के लिए जो प्लाट काट के देना था वो भी आज तक प्लाट काट कर नहीं दिया गया। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप भी हमारी मदद करें, जिसमें कार्यपालन यंत्री श्री परस्ते जी जिनका मोबाइल नंबर है 98263660194, इस नंबर पर कॉल कर आप भी दबाव बनाए। मैं पवन सोलंकी, ग्राम भादल, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।